नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। दिलदार नगर गांव निवासी सलीम कुरैशी की पत्नी सरवरी ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक शनिवार की रात करीब 2 बजे घर का दरवाजा बंद कर सभी सो रहे थे, तभी अचानक 4 से 5 पुलिस के लोग आए और दरवाजा खोलने को बोले। उनके पति ने जो ही दरवाजा खोला, पुलिस वाले उन्हें घसीट कर ले जाने लगे। औरत के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस पर पीड़ित शख्स की जेब से 20,000 रुपए निकालने का भी आरोप है। वही थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र पांडे का कहना है कि सलीम कसाई का काम करता है। पशु वध की सूचना पर उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस गई थी, वो भयवश छत से कूद गया जिससे घायल हो गया। सीओ जवनिया सुरेश शर्मा ने कहा कि मामले की जांच हो रही है। खानपुर थाना पुलिस को शनिवार की देर रात बड़ी सफलता मिली। उसने हल्की मुठभेड़ के बाद 3 अंतरराज्यीय एवं टॉप 10 शातिर अपराधों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके पास से 2 बाइक के साथ ही 4 असलहा कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक पन्ने लाल ने बताया कि वो रात में सहयोगियों के साथ गश्त पर थे। देर रात करीब 3 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि 3 बदमाश किसी लूट की वारदात के अंजाम देने के लिए अनौड़ा की तरफ से आ रहे हैं। घोघुआ मोड़ के पास 2 बाइक पर 3 सवार लोग आते दिखाई दिए। पास आने पर जैसे ही पुलिस ने रुकने का इशारा किया, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। फिर भी हिम्मत का परिचय देते हुए घेरेबंदी कर पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में SI नगेंद्र उपाध्याय, योगेंद्र सिंह, संजय सरोज, कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सिंह, दिलीप कुमार सिंह, शमशेर सिंह, अजय यादव आदि शामिल थे। सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जिले का प्रमुख समाजसेवी स्वाभिमान संगठन ने पर्यावरण संरक्षण पर लोगों को जागरूक किया। रविवार को अध्यक्ष डॉक्टर देवेश सिंह ने बेल का पौधा लगाकर लोगों को प्रकृति के संरक्षण की शपथ दिलाई। इस मौके पर दुर्गेश सिंह, वेद प्रकाश तिवारी, अमितेश मिश्रा, सपन दुबे, पीयूष दुबे, मंटू राय ने संगठन के विस्तार तथा सामाजिक समस्याओं एवं उनके निराकरण पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर हवलदार चौधरी, विनीत सिंह, राजन सिंह, मनोज पांडे, अविनाश सिंह, मारुति राय, दीपक पांडे, नीलेश दुबे, प्रवीण दुबे, संजय दुबे, चंदन मिश्रा, नीतीश कुमार दुबे, राहुल उपाध्याय, धीरज सिंह, पीयूष सिंह, चंदन सिंह, संजय निषाद, गुलशन कुमार, राजेंद्र निषाद, अंजुमन यादव, रामनिवास चौधरी, अंगद यादव, वरुण दुबे, संजय सोनी, प्रेमचंद साहनी, संतोष, डॉक्टर सरोज, जयप्रकाश, रामाश्रय चौहान, विजय बहादुर, राहुल सोनी आदि मौजूद थे। दिलदार नगर क्षेत्र के फुली ग्राम प्रधान आरती यादव के निवास स्थान पर रविवार को स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें समाजवादी महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष आशा यादव का भव्य स्वागत किया गया। ग्राम प्रधान आरती यादव ने जिला अध्यक्ष आशा यादव के स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आशा यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म की पार्टी नहीं है, वो हर समाज को जोड़कर चलने वाली पार्टी है। बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ के तर्ज पर महिलाओं को ज्यादातर जोड़ने का कार्य पार्टी करेगी, तभी बेटियों का विकास हो सकता है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष अनिल यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रणजीत यादव, ऋषि यादव, विजय यादव, मनीष यादव, झब्बू यादव, राजेश यादव, ऋषि यादव, बबुआ, पिंटू राजभर, दिनेश पाल, राम प्रवेश राम आदि मौजूद रहे। संचालन मिस बाउल हुदा ने किया। अंत में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव ने भी सभी लोगों का आभार प्रकट किया। जवनिया कोतवाली पुलिस ने रविवार अलग अलग स्थानों से 1 बाइक, 1 तमंचे के साथ 2 बदमाश और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वही तस्करों के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद करने के आरोप हैं। कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक मंशा राम फफू आव चट्टी पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवकों से कागजात मांगे तो वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर एक युवक के पास से 315 बोर का 1 तमंचा बरामद हुआ। युवक ने बाइक चोरी की बात स्वीकार की। वहीं उपनिरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी ने नरसिंहपुर पुलिया के पास से 1 मैजिक को पकड़ा। गाय के 3 तस्करों को अरेस्ट किया गया है। इसी तरह उपनिरीक्षक सेनापति सिंह गश्त के दौरान देवड़ी जाने वाले मार्ग पर 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से 25 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक संतोष कुमार, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल विनोद सोनकर, कांस्टेबल विवेक पांडे, कांस्टेबल मिथिलेश कुमार, कांस्टेबल धीरेन्द्र यादव, कांस्टेबल फुजैद और कांस्टेबल नवीन यादव शामिल थे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।